नमस्कार, दिव्य होम में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबको सावन मास की बधाई देते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं मृत्युंजय महामंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई और मृत्युंजय महामंत्र का विज्ञान क्या है। आप सभी को पता है दर्शकों कि दिव्य होम में हम लगातार हिंदू सनातन धर्म के जो विशेष विधि विधान मंत्र है उस मंत्र का वैज्ञानिक अभिगम भी आपके सामने एक के बाद एक प्रस्तुत करते हैं। इस श्रृंखला में आज हम मृत्युंजय महामंत्र का विज्ञान क्या है जिसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाए, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं मृत्युंजय महामंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। ये पौराणिक कथा शिव पुराण में विद्यमान है। शिव पुराण के अनुसार ऋषि मुकुंड ने एक बार पुत्र प्राप्ति के इच्छा से देव के देव महादेव की कठोर तपस्या की, जिससे तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने मुकुंड ऋषि को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद तो दिया, वरदान तो दिया, लेकिन कहा कि यह पुत्र आपको सुख और दुख दोनों देगा। ऋषि मार्कंडेय पुत्र प्राप्ति के केवल वरदान से ही खुश हो गए, लेकिन बाद की स्थिति को उसे अंदाजा नहीं था। ऋषि मुकुंड ने भगवान शिव की आराधना करके एक सुंदर ऋषि पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि ऋषि मुकुंड का पुत्र था इसीलिए उसे मार्कंडेय नाम दिया गया। लेकिन बालक मार्कंडेय अल्प आयु का था। जब ऋषि मुकुंड को इस बात का पता चला तब माता पिता बहुत दुखी होने लगे। धीरे धीरे बालक मार्कंडेय बड़ा होता गया। ऋषि मुकुंड ने उसे शिव मंत्र की दीक्षा दी और वे लगातार शिव मंत्र का जाप करने लगा। लेकिन एक बार बालक मार्कंडेय ने अपने पिता मुकुंड और माता को पूछा कि आप हमेशा उदास और दुखी क्यों रहते हैं। तब ऋषि मुकुंड ने बताया कि हे पुत्र, आपको अल्प आयु का योग है जिसे याद करके हम हमेशा दुखी रहते हैं। अपने माता पिता का दुख नहीं देख पाने के कारण बालक मार्कंडेय वहां से दूर जंगल में जा पहुंचे और वहां बालू से एक स्वयं शिवलिंग बनाया और उस शिवलिंग पर दिन रात शिव मंत्र का जाप करने लगे। क्योंकि दिन रात शिव मंत्र का जाप किया, जो दीक्षित मंत्र था, अपने पिता से द्वारा दिया हुआ मंत्र था, दिन रात जाप करने से माता सरस्वती उनके कंठ में साक्षात विराजमान हो गए और धीरे धीरे एक छोटे से मंत्र को 33 अक्षरों वाला महामंत्र बना दिया। ये जो 33 अक्षरों वाला महामंत्र था, अंत में ये महामंत्र का जाप बालक मार्कंडेय लगातार करता रहा। समय आने पर यम के दूत बालक मार्कंडेय का प्राण लेने के लिए आए। तब बालक मार्कंडेय की उम्र केवल 12 साल की थी। जब यमदूत को बालक मार्कंडेय ने देखा तब शिवलिंग से अपने आप को लपेट लिया और जोर जोर से ये महामंत्र बोलने लगे। महामंत्र है ओम होम झुम सह ओम भूल भुवस्व ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृताम। ये जो आगे की जो दो लाइन है उसको पुरस्चन के रूप में पीछे भी बोला जाता है। लेकिन मृत्युंजय महामंत्र ये ऐसा महामंत्र है जिसको शिवलिंग से लपेट के जब बालक मार्कंडेय ने बोला तब देव यम के दूत भी उसके प्राण नहीं ले सके। जब राजा यमराज स्वयं उसके प्राण लेने के लिए आए तब भी बालक के प्राण नहीं गए। तब शिवलिंग के साथ उसने पाश डाला और उस बालक को खींचने लगे। तब एक उसी शिवलिंग से एक प्रचंड शक्ति का स्रोत उत्पन्न हुआ जिसे महादेव का अवतार रुद्र माना जाता है। जब रुद्र ने बहुत ही गुस्से में आके यमराज को कहा कि एक बालक मेरे दीक्षित मंत्र की जोर जोर से जाप करता है, आप उनको गले में पाश डाल रहे हो। तब यमराज ने उसे विधि का विधान याद दिलाया। तब भगवान शंकर ने उस बालक को यमराज के सामने ही कहा कि क्योंकि ये बालक ने मेरे 33 अक्षरों वाला एक महामंत्र का निर्माण किया है और मृत्यु के अंत में, मतलब मृत्यु जब समय पास थी तब भी उसका जाप करता रहा, इसीलिए इस बालक को अब मैं अभय वरदान यानी कि अमर वरदान प्राप्त करता हूँ।
उसकी दीर्घायु हो ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। भगवान शिव के आशीर्वाद से यमराज भी वहां से चले गए, क्योंकि ये मंत्र का जाप मृत्यु के समय बालक मार्कंडेय ने किया था, इसीलिए भगवान शिव ने इस मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र का नाम दिया और कहा कि जो लोग मेरे इस मंत्र का स्मरण लगातार करेंगे, भय में, कष्ट में, कहीं भी किसी भी समय में जब मेरे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, उसकी सारी मानसिक आदि पीड़ा, ग्रहों की पीड़ा नष्ट हो जाएगी, असाध्य बीमारी भी नष्ट होगी और वे दीर्घायु होंगे। भगवान शिव ने इस महामंत्र को मृत्युंजय महामंत्र नाम दिया, जिसे बालक मार्कंडेय ने केवल 12 साल की आयु में रचा था। तो ये है मृत्युंजय महामंत्र की उत्पत्ति की कथा। लेकिन आइए आगे हम जानते हैं ये मृत्युंजय महामंत्र का विज्ञान क्या है। मंत्रों का विज्ञान यानी कि मंत्रों के जो एक एक अक्षर होता है उसमें कौन सी एक एक शक्ति समाहित है और वे हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करते हैं, उसका विज्ञान। ऋषि वशिष्ठ ने आगे शिव महापुराण में मृत्युंजय महामंत्र का ये विज्ञान बताया है और कहा है कि ये मृत्युंजय महामंत्र 33 अक्षरों में उपलब्ध है। सारे 33 अक्षर में 33 देवता समाहित है, उसमें से 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति और 1 षडकार के रूप में देवता समाहित है। इस सारे 33 देवताओं की संपूर्ण शक्तियां केवल और केवल एक मंत्र में निहित है, ऐसा ऋषि वशिष्ठ ने शिव पुराण में बताया है। आइए जानते हैं ऋषि वशिष्ठ के हिसाब से मंत्र का जो एक एक अक्षर है उसमें कौन कौन से एक एक देवता समाये हैं और वे हमारे शरीर के किस अंग की रक्षा करते हैं, उसका विज्ञान। सर्वप्रथम है त्र्यंबकम। त्र्यंबकम शब्द में पहला शब्द है त्रि, जिसमें ध्रुव वसु है जो हमारे सिर को शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरा शब्द है यम, अर्ध वसु मुख में शक्ति प्रदान करते हैं। ब सोम वसु हमारे लेफ्ट कान में, हमारा जो दायां कान है उसमें शक्ति प्रदान करते हैं। कम जल वसु राइट कान में, या वायु वसु लेफ्ट हैंड में, जा अग्नि वसु राइट हैंड में, म पृथ्वी वसु लेफ्ट की जो बाहु है उसमें, और है प्रयास वसु मणिबंध में शक्ति प्रदान करते हैं। तो यहाँ तक यजा महे, यहाँ तक 8 वसु एक एक अक्षरों में एक एक 8 वसु विद्यमान है। आगे का जो मंत्र है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उसमें 11 रुद्र जो भगवान शिव के जो 11 अवतार थे रुद्र के रूप में वे समाहित है, उसका विज्ञान क्या है, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले वीरभद्र सु में वीरभद्र जो हमारे प्राणों का द्योतक है। शुंभ रुद्र जो हमारे दाएं मतलब लेफ्ट हैंड की उंगलियों के अग्र भाग में है। धीम ग्रीष रुद्र जो हमारे राइट हैंड के मूल में उपलब्ध शक्ति प्रदान करते हैं। पु अजेक पात रुद्र जो हमारे लेफ्ट हैंड के मध्य भाग में शक्ति प्रदान करते हैं। ष्टी अहरमु बाध रुद्र जो हमारे लेफ्ट हैंड के मणिबंध में स्थित है। वह पिनाक रुद्र जो हमारे राइट हैंड के उंगलियों के मूल में स्थित है। ध में भवानी स्वरूप रुद्र है जो हमारे लेफ्ट हैंड के उंगलियों के अग्र भाग में स्थित है। नम कपाल रुद्र जो हमारे उरु भाग में यानी कि पेट का जो भाग है उसमें शक्ति प्रदान करते हैं। वा स्थाणु रुद्र जो हमारे लेफ्ट यक्ष गोल्फ यानी कि जो ये जो का भाग है उसमें शक्ति प्रदान करते हैं। और स भर्ग रुद्र जो हमारे लेफ्ट पैर की उंगलियों के मूल में स्थित है, उंगलियों लेफ्ट पैर की उंगलियों को शक्ति प्रदान करते हैं। तो यहाँ तक 11 रुद्र समाहित है। आगे का जो मंत्र है उसमें 12 आदित्य समाहित है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। क धाता आदित्य जो
जो दाया पैर है उसकी उंगलियों के अग्र भाग में मी अरनमा आदित्य, जो दाया पैर है उसके उरु भाग के दाए यानी कि लेफ्ट साइड में वह मित्र आदित्य, जो हमारे लेफ्ट जानू के में जिसकी शक्ति स्थित है, व वरुण आदित्य जो हमारे लेफ्ट जो हमारी जो है यहाँ की लेफ्ट साइड की उसमें उसकी शक्ति स्थित है, धा अंशु आदित्य जो हमारे लेफ्ट पैर की उंगलियों के मूल भाग में स्थित है जिसकी शक्ति, नाथ भगा आदित्य जो हमारे लेफ्ट पैर की उंगलियों के अग्र भाग में स्थित है, मृ विवस्तम सूर्य आदित्य जो हमारे राइट पार्श्व भाग जो हमारा पुष्ट भाग है उसके राइट साइड में जिसकी शक्ति विद्यमान है, त्यो दंडादित्य जो हमारे लेफ्ट पार्श्व भाग में स्थित है, मु पुषा आदित्य पुष्ट भाग के मध्य भाग में जिसकी शक्ति स्थित है, क्षि पर्जन आदित्य जो नाभि स्थल में स्थित है, यह त्वणाष्टम आदित्य जो गुह्य भाग में हमारी जो गुह्य इंद्रिया है उसमें जिसकी शक्ति स्थित है, और माम विष्णु आदित्य जो हमारे दोनों बाजुओं में जिसकी शक्ति स्थित है। ये हुए 12 आदित्य। अब एक प्रजापति और एक षटकार बाकी रहा, तो मृ जो है शब्द उसमें प्रजापति द्योतक है जो हमारे कंठ भाग में यहाँ पे स्थित है, और तात मृत्युर मोक्षीय माम्र तात जो तात शब्द है लास्ट, वो अमित वसटकार के रूप में जो हमारे हृदय स्थान में स्थित है। तो ये है मृत्युंजय महामंत्र के जो 33 वर्ण है, शब्द अक्षर है, उस 33 अक्षरों में कौन कौन से देवता हमारे शरीर के कौन कौन से अंग में कौन कौन सी शक्ति प्रदान करते हैं उसका विज्ञान, ये विशिष्ट ज्ञान दिया था ऋषि वशिष्ठ ने, इसीलिए उसे महामृत्युंजय विज्ञान भी कहा गया है जो आज भी शिव पुराण में मौजूद है। ये जो एक मंत्र है मृत्युंजय महामंत्र, ऋषि वशिष्ठ के हिसाब से ये एक मनुष्य जीवन का अभेद्य कवच माना गया है। कोई भी मनुष्य यदि किसी भी पीड़ा में हो, शारीरिक मानसिक ग्रह पीड़ा या किसी भी नकारात्मक शक्तियों के अंदर फंसा हुआ हो, यदि एक बार भी ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है तो वो सभी तरह की पीड़ाएं नष्ट होती है और उन्हें भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। खास करके बुद्धि विद्या यश धन आदि प्राप्त करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का हमें लगातार विशेष दिनों में जाप करना चाहिए। ये विशेष दिन है हर मास की शिवरात्रि, सूर्य संक्रांति, चंद्र संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, हर मास की त्रयोदशी, सावन का पूरा महीना तथा सावन के सोमवार। ये जो विशेष दिन है उस दिन यदि हम महामृत्युंजय मंत्र का संकल्प लेते हैं और पूरे विधि विधान से यदि उसका जाप करते हैं तो हमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, हमें सभी तरह के भय से मुक्ति होती है, असाध्य से असाध्य बीमारी जिसका कोई तोड़ नहीं मिलता जो केवल महामृत्युंजय मंत्र के हिसाब के एकमात्र उच्चारण से वो बीमारी ठीक होती है तथा अकाल मृत्यु हमें कभी प्राप्त नहीं होता। ये है महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति। दिव्य होम के दर्शकों, आपसे हमें नम्र निवेदन है कि सावन के इस पावन मास में आप महामृत्युंजय मंत्र का संकल्प करें, हाथ में गंगा जल लेके संकल्प करें कि रोज 11, 21, 51, 108 जो भी आपकी शक्ति है इस तरह से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में, क्योंकि जल से मैं लेके आ रही हूँ एक बहुत अच्छा वीडियो कि सावन मास का हिंदू सनातन धर्म में क्या महत्व है। तब तक के लिए नमस्कार।